Hello and welcome to Unlimited Education and this is Krishangi presenting current affairs today. Current affairs के सभी questions upcoming exams के लिए काफ़ी important हैं, तो देखेंगे आज के questions और सबसे पहले जान लेते हैं कल के question का answer जो मैंने आपसे पूछा था. कल का question था कि बर्लिन किस country में पड़ता है, तो जो बर्लिन है वो जर्मनी की capital है, तो ये बर्लिन पड़ता है जर्मनी में. और अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस. और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी इनकमवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है. अभी रिसेंटली इसरो ने इसे लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में. और पूरे कंट्री में इस तरीके के 6 सेंटर खोले जाने हैं और उनमें से ये पहला सेंटर है जो NIT अगरतला में इनॉग्रेट हुआ है. और बाकी के जो 5 सेंटर हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ वो कहाँ खुलेंगे. वो हैं जालंधर, भुवनेश्वर, तिरुचि, नागपुर और इंदौर में. अब ये जो सेंटर लॉन्च किया है ये किया है इसरो ने, तो इसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं. इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में. इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं के शिवान. और इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1959 को. और क्योंकि ये लॉन्च हुआ है अगरतला में, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है और जो त्रिपुरा स्टेट है वहाँ के CM हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सेंट्रल विजिलेंस के नए अध्यक्ष कौन हैं. जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं और वो हैं आनिंदो मजूमदार. ये KV चौधरी की जगह लेंगे. और अगर सेंट्रल विजिलेंस को देखें तो इसका गठन हुआ था 1964 को. और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, वो है फर्स्ट विजिलेंस कमिश्नर कौन थे. तो उनका नाम आपको याद रखना है, वो थे नित्तूर श्रीनिवासा राव. ये फर्स्ट विजिलेंस कमिश्नर थे. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चीफ कौन बने हैं. एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसके नए चीफ बने हैं और हमें बताना है ये कौन बने हैं. ये बने हैं कमलेश नीलकंठ व्यास. और अगर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें यानी AEC, इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 अगस्त 1948 को. और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो थे होमी के भाभा. ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, तो वो आपको याद रखना है होमी के भाभा. ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अंडर में काम करता है. और ये DAE प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है. ये जो अभी सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और थर्ड क्वेश्चन में ये है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये दोनों अपॉइंटमेंट हैं, तो आपको ये याद रखना है. न्यू अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. फोर्थ क्वेश्चन है, स्किल इंडिया अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है. ऑप्शंस हैं वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं. तो अभी रिसेंटली वरुण धवन और अनुष्का शर्मा दोनों को स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो थर्ड क्वेश्चन इसका करेक्ट हो जाता है. तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा दोनों स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर होंगे. अब देख लेते हैं कि ये स्किल इंडिया क्या है. ये स्किल इंडिया को लॉन्च किया गया था, PM मोदी ने किया था इसे 15 जुलाई 2015 को. और जो इसका मेन एम है, इसका जो पर्पज है वो है 2022 तक इंडिया की 40 करोड़ पीपल डिफरेंट स्किल में ट्रेंड हो जाएं. ये इसका एम है. और इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान. ये था फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है. ऐसा कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है. तो ये ट्रेन लॉन्च की है जर्मनी ने. जर्मनी में ये ट्रेन लॉन्च हुई है और इसे बनाया है फ्रांस के ट्रेन मेकिंग कंपनी अल्स्टोम ने. फिलहाल ये 62 माइल यानी 100 किलोमीटर के रूट पर ऑपरेट करेगी
और ये जो ट्रेन है ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली ट्रेन है, क्योंकि इसमें जो रेजिड्यूल निकलेंगे वो केवल भाप और पानी होगा, यानी जो भाप स्टीम और पानी ही निकलेगा इसमें से। ये ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की है, तो जर्मनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, और ये जो बर्लिन है ये जर्मनी का लार्जेस्ट सिटी भी है। जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, और यहाँ की जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला मार्केल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, अन्ना रजम मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? अन्ना रजम मल्होत्रा ये एक आईएएस ऑफिसर थी, और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी। ये मद्रास कैडर की 1951 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, और जो इनके हस्बैंड थे वो भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, गवर्नर हैं। सेवंथ क्वेश्चन, ओला कंपनी ने हाल ही में कौन से देश में अपनी सर्विस लॉन्च की है? ये जो ओला कंपनी है इसने भारत के अलावा भी अलग अलग कंट्रीज में अपनी सर्विस लॉन्च की हैं, तो अब ये अपनी सर्विस लॉन्च करने जा रही है न्यूजीलैंड में, और ये थर्ड कंट्री है जहां ओला अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में ये कंपनी अपनी सर्विस दे चुकी है। ये सर्विस न्यूजीलैंड में लॉन्च की गई है, तो न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है विलिंगटन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंदा अर्डर्न, और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। ये जितने भी कंट्रीज और स्टेट आते हैं मैं उनकी कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर और करेंसी वगैरह वहाँ की बताती रहती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं, जो भी स्टेट या जो भी कंट्री न्यूज में होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। एट्थ क्वेश्चन, केरल पर्यटन ने कितने पाटा गोल्ड पुरस्कार जीते हैं? ये जो केरल पर्यटन है इसने अभी पाटा गोल्ड पुरस्कार जीते हैं, और ये पुरस्कार जीते गए हैं, दो गोल्ड पाटा पुरस्कार जीते हैं केरल पर्यटन ने। अब ये जो पाटा अवार्ड है ये है क्या? ये अवार्ड 1955 से दिए जाते हैं, और इन्हें मकाऊ गवर्नमेंट टूरिज्म ऑफिस प्रोवाइड करती है। ये अवार्ड केरल पर्यटन ने जीते हैं, तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और जो राज्यपाल हैं यहाँ के वो हैं पी सदाशिवम। ये जो पी सदाशिवम हैं ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये आपको बताना है ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। नाइन्थ क्वेश्चन, किस देश ने अपने बंदरगाहों का उपयोग करने की मंजूरी भारत को दे दी है? ऐसा कौन सा देश है जिसने बोल दिया है कि आप हमारे बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हो, ऐसा भारत से बोला है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया उसके बंदरगाहों को यूज कर सकता है, और ये जो दो बंदरगाह हैं इनका नाम है मोंगला और दूसरा है चिट्टागोंग। अब ये बांग्लादेश ने प्रोवाइड किए हैं, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ये बांग्लादेश जो कंट्री है ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा बांग्लादेश, मतलब ज़्यादातर बांग्लादेश डेल्टा से कवर है, और ये जो डेल्टा है यहाँ ये पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, उसका नाम है सुंदरबन। मीन्स यहाँ पे काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है। टेंथ क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले द्विपक्षीय एनर्जी पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहला द्विपक्षीय एनर्जी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और तो हमें बताना है इसके लिए जो डीजल है वो कहाँ से आएगा। डीजल रिफाइनरी से आता है, तो इनमें से कौन सी रिफाइनरी है जहाँ से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एनर्जी पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए डीजल आएगा? तो वो डीजल आएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी से, और ये रिफाइनरी है आसाम में। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जॉइंट वेंचर है। ये रिफाइनरी है आसाम में, कहाँ पे है ये? आसाम में ये रिफाइनरी है।
तो आसाम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब आता है 11th क्वेश्चन, भारत में किस देश के साथ डम्बुला गोदाम पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो भारत है इसने कौन से देश के साथ डम्बुला गोदाम पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो डम्बुला गोदाम है ये फल और सब्जियों को सुरक्षित रखा जाएगा इसमें, और इसकी जो क्षमता है वो है 5000 मीट्रिक टन, और ये बन रहा है श्रीलंका और भारत की हेल्प से। तो ये कौन सा कंट्री हो गया? ये हो गया श्रीलंका, क्योंकि ये हस्ताक्षर हुए हैं श्रीलंका और भारत के बीच में। अब यहाँ बात श्रीलंका की हो रही है, तो इसकी श्रीलंका की दो कैपिटल हैं और आपको बताना है कि उन कैपिटल्स के नाम क्या हैं और वो कैपिटल क्या हैं, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। बाकी का यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे, और प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, और यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी, और श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिंहला और तमिल। अब आता है 12th क्वेश्चन, वो है किस शहर में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है? कौन सा शहर है जहाँ पे भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित हुआ है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला डॉग पार्क है और ये स्थापित हुआ है हैदराबाद में। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।